वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है यानी कि डिसॉल्व आयंस है, वो आपके केमिकल डिसोसिएट्स होते हैं कटायन और अनायन के फॉर्म में जब वो बॉडी फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, जो कटायन्स होते हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, और जो अनायन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि आपका क्लोरीन। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपके अलग अलग कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली आपके दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, और उसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि आपके सेल के बाहर यानी कि इंटरस्टिशियल और वस्कुलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन। बेसिकली जितने भी आपके मेजर इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर आपके जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको एक चार्ट के थ्रू मैं आपको उनके सोर्सेस, जिससे कि हमें वो बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर वो जाते हैं और उनका बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहला है सोडियम। सोडियम जो है इसकी क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड होती है बॉडी के अंदर वो है 1.8 ग्राम पर केजी। ठीक है, ये बेसिकली हमें टेबल सॉल्ट, सॉल्टी फूड्स, एनिमल फूड्स, मिल्क या फिर कुछ वेजिटेबल से मिलते हैं। और जो सोडियम है वो बॉडी के अंदर आपका नॉर्मल हाइड्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं क्योंकि इनमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये जो बॉडी के अंदर का बफर होता है उसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं और एसिड बेस बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। साथ ही ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल है और जो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी ये काफी हेल्पफुल है, और ये आपको मसल इरिटेबिलिटी यानी कि एक्साइटेबिलिटी कॉज करते हैं, मतलब जो आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसमें इसका मेजर रोल होता है। सेकंड है पोटेशियम। ये आपको 2.6 ग्राम पर केजी क्वांटिटी इसकी रिक्वायर्ड होती है और ये बेसिकली हमें मिलता है वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, मीट, मिल्क और लेग्यूम से। ये भी आपके बफर के इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं और एसिड बेस बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। ये आपके वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं यानी कि बॉडी के अंदर हाइड्रेशन मेंटेन करने में इनका मेजर रोल है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के में भी हेल्प करते हैं। ये आपके न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी यानी कि एक्साइटेबिलिटी में इनका मेजर रोल होता है क्योंकि जो ये आपका मसल जो ब्रेन में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिससे कि हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है उसमें इसका मेजर रोल होता है क्योंकि ये आपके न्यूरॉन्स में जो एक्शन पोटेंशियल है उसको जनरेट करने में हेल्प करता है। थर्ड है आपका कैल्शियम। इसकी जो क्वांटिटी है वो 22 ग्राम पर केजी रिक्वायर्ड होती है और ये आपको मिलता है मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश बोन्स जो कि कुक्ड होते हैं उनसे हमें मिलता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग में क्योंकि इसके प्रेजेंस में ही आपको जो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं थ्रोम्बिन टू प्रोथ्रोम्बिन, उसके साथ ही फाइब्रिन के फॉर्मेशन तक में इसका एक मेजर रोल होता है। साथ में ये स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ ही ये आपको जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होता है उसमें इसका मेजर रोल होता है, और ये आपको जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है उसके जो जनरेशन होता है यानी कंडक्शन होता है हार्ट के वेरियस रीजंस में उसमें इसका मेजर रोल होता है। ये आपके म्यूकोसल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, साथ ही सेल एडहेशन में इसका रोल होता है, और ये इंडिविजुअल सेल के फंक्शन में भी इसका मेजर रोल होता है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस, जो कि फॉस्फेट का एक फॉर्म है, मतलब फॉस्फेट इससे आपको मिलता है। ये आपको मिलता है मिल्क, सिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, योल्क, मीट, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स और नट्स से। ये फॉस्फोरस जो है वो हमारे बोन्स और टीथ का एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है, साथ में ही ये एटीपी, एनएडी, एफएडी एक्सेट्रा का भी कंस्टिट्यूएंट है। ये जो बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, फॉस्फोप्रोटीन्स होता है, उसका कंस्टिट्यूएंट होता है।
फिफ्थ है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी है वो है 0.5 ग्राम पर केजी. ये आपको बेसिकली क्लोरोफिल, नट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन से मिलता है और ये आपका जो फॉस्फेट ट्रांसफरिंग एंजाइम होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट को फैक्टर है. ये आपको न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी यानी कि जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या एक्शन जनरेट होता है उसको डिक्रीज करता है. नेक्स्ट है आपका क्लोराइड. क्लोराइड जो है वो क्लोरीन यानी ये 50 mEq/kg रिक्वायर्ड होता है. ये आपको एनिमल फूड और टेबल सॉल्ट से मिलता है. ये आपका इलेक्ट्रोलाइट एज अ इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन करता है. ऑस्मोटिक बैलेंस में इसका मेजर रोल होता है. साथ ही ये गैस्ट्रिक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि आपके फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है. वाटर बैलेंस यानी कि हाइड्रेशन को मेंटेन करता है और जो कटायन एनायन का बैलेंस है उसको मेंटेन करता है. नेक्स्ट है आपका सल्फर जो कि एज अ सल्फेट होता है. सी फूड्स, सम ड्रिंकिंग वाटर से ये हमको मिलता है बॉडी के अंदर और ये जो है प्रोटीन का इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है. साथ ही म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, हेपरिन, थायमिन, बायोटिन, लिपोइक एसिड इनका भी एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है. साथ ही ये बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स को रिमूवल में इसका एक मेजर रोल होता है. तो ये था अबाउट आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट मेजर एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में या कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल आयंस के बारे में और उसका बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.